स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ एंड इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। उनका नाम ही रतन था, उन्हें किसी भारत रत्न की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद भी उनकी खींची हुई लकीर चलती रहती है। परंपरा की एक ऐसी लकीर खींच गए रतन टाटा। आज का बुलेटिन हम रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए शुरू कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मुंबई के वर्ली शमशान भूमि में रतन टाटा का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। हम ये मानते हैं कि देश के नागरिकों को सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। अपने कर्तव्य के जरिए समाज और देश को कुछ लौटाना भी चाहिए। आज रतन टाटा को याद करते हुए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आप चाहे किसी भी पेशे में हों, बतौर भारतीय नागरिक पहला लक्ष्य राष्ट्र के प्रति आपकी एक सजग भूमिका होनी चाहिए। रतन टाटा से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम भी दिया है भारत रत्न। देश के झंडे से लिपटकर चिर निद्रा में लीन रतन टाटा अंतिम प्रयाण पर निकल चले। ये तिरंगा, ये सलामी धुन, आंसुओं से भीगी करोड़ों श्रद्धांजलि, पीढ़ियों का शोक, ऐसी विदाई हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए तो कहते हैं यूं ही कोई टाटा नहीं बन जाता। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। जब रतन टाटा अपने आखिरी सफर पर निकले तो उनके भाई जिमी भी अपने प्यारे रतन को विदाई देने आए। जिमी वही हैं जिनकी सन 1945 की तस्वीर रतन टाटा ने शेयर की थी। यानी बचपन के दो मुस्कुराते भाइयों में से एक आज बड़ी खामोशी से अंतिम यात्रा पर था और दूसरा भाई नम आंखों से निशब्द होकर उसे निहार रहा था। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया। वहां से उनके पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि ले जाया गया। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत उद्योग, खेल और फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां पहुंची। इतने भले इंसान और इतने बड़े इंसान, जब ऐसा कोई इंसान अपने देश से जाता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन जो उन्होंने लेगेसी छोड़ी है, जो उन्होंने अपना काम यहाँ छोड़ा है, उसके बारे में चर्चा शब्द नहीं है कि क्या कहें। शायद हिंदुस्तान के टॉप 10 लोगों में से वो आते हैं और बहुत ही भले इंसान में मिला कुछ बार, बहुत ही बेहतरीन। और आज ये कह सकते हैं बहुत बुरा सा लगा क्योंकि हर एक ने जाना है इस दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो अपने काम से अपने कार्य से जाने जाते हैं। और शायद रतन टाटा जी ने जो किया है या उनके पूरे टाटा ग्रुप ने किया है, उसको हम किस तरह याद रखेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेंगे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार से पहले रतन टाटा के पार्थिव शरीर को उनके कुलाबा स्थित आवास पर ले जाया गया था। आज एक तस्वीर बहुत चर्चा में है। उद्योगपति रतन टाटा को जानवरों से बहुत प्रेम था। यही कारण है कि रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए उनका एक पालतू कुत्ता भी वहां पहुंचा, जिसका नाम है गोवा। दरअसल रतन टाटा जब एक बार गोवा गए थे तो उस समय ये कुत्ता उनके पीछे आ गया था। तब रतन टाटा उसे अपने साथ लेकर मुंबई आ गए थे और इसका नाम गोवा रख दिया गया था।
फरिश्ता और दया के समंदर कहलाए जाने वाले रतन टाटा के आखिरी सफर में दिखी भावनाओं के विशाल समंदर की गहराई को माप माना हम मीडिया रिपोर्टरों के लिए भी मुश्किल भरा रहा। अनेकों जिंदगियां उन्होंने उस खामोशी के साथ बदली थी, लेकिन वही खामोशी आज इन तस्वीरों के साथ टूटती दिखी। हर तरफ उनकी महानता के गूंज सुनाई देते रहे और फिर एहसास हुआ देश ने वाकई में अपना महान रत्न खो दिया है। मुंबई से अपने सहयोगी रौनक कुकड़े, पारस जामा और कैमरामैन सचिन सावंत और संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुनील सिंह ने बिल्कुल सही कहा, देश ने एक महान रत्न आज खो दिया है। कहते हैं ना कि पैसा लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन जिस शख्स ने टाटा ग्रुप को टकसाल में बदल दिया था, उस रतन टाटा के ऊपर ना पैसों का प्रभाव था ना पावर का। रतन टाटा काम को घंटों में बांधकर नहीं देखते थे और ना ही अपने रुतबे को अपने आसपास फैले आडंबर से बंधने देते थे। उसका ही नतीजा है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके रतन टाटा आज अपने परोपकारी सोच और सादगीपूर्ण सरल जिंदगी के लिए याद किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। घर घर में शुभ लाभ पहुंचाते हैं, इस देश की शक्ति बढ़ाते हैं, हर और हरियाली लाते हैं, कठिनाइयों में साथ हम निभाते हैं, नई दिशा में बढ़ते हैं, इस बात भी हम बनाते हैं। वाकई टाटा का दायरा भट्टियों में पिघलते लौह अयस्क तक सीमित नहीं है। रतन टाटा ने उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसमें देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति और एक वैज्ञानिक नजरिया साथ साथ चलते हैं। और इस विरासत की एक बानगी देखिए। जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा ने 1902 में अपने बेटे दोराबजी को एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में जमशेदजी ने एक ऐसे शहर को बसाने की बात कही जिसमें चौड़ी सड़कें हों, सड़क किनारे छायादार पेड़ हों, आबादी के बीच बगीचों के लिए पर्याप्त जगह हो, खेल के मैदान हो, मंदिर मस्जिद चर्च यानी हर धर्म के लिए पूजा या प्रार्थना स्थल हो। आप कह सकते हैं जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक यही परिकल्पना टाटा के नाम पर बसे जमशेदपुर शहर का मूल चरित्र है। खेलने की सुविधा हमें भरपूर मिली। आजकल तो बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं मिलते, लेकिन हमारे पूरे टाटा स्टील के जो एरिया था उस एरिया में जगह जगह पे बड़े बड़े ग्राउंड होते थे। बड़े बड़े ग्राउंड मतलब 100 मीटर × 100 मीटर। तो बाहर से जब लोग आते थे तो बोलते थे अरे तुम्हारे घर के पास में तो स्टेडियम है, लेकिन हमारे लिए एक ग्राउंड था और हमें लगता था कि ये कौन सा आश्चर्य का बात है। लेकिन अभी फील होता है कि एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में और 4-5 ऐसे ग्राउंड थे ना, ये टाटा स्टील ने बहुत अच्छा फैसिलिटी हमें दिया। और ये जो शहर है, इस शहर को इस तरह से बसाया कि बिल्कुल ग्रीन। अगर हम लोग कभी थोड़ा फ्लैट के ऊपर जाकर के देखते हैं तो ऊपर से पूरे पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, शायद ही किसी शहर में इतने पेड़ पौधे हो। तो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली शहर बसा, चौड़े चौड़े रोड बने और क्वालिटी ऑफ लाइफ जमशेदपुर का बहुत अच्छा रहा। रतन टाटा हमें इन सब के लिए बहुत याद है। ये आदमी की सोच की कितना मानता है, अपने श्रमिकों के लिए, अपने पदाधिकारियों के लिए तो सब जीता मरता है, लेकिन कैंसर जैसे बीमारी के लिए आपको आसाम में, पटना में, झारखंड में, कलकत्ता में कैंसर पीड़ितों के लिए अस्पताल खोलना, वो याद है, भारत भर के सब याद करेंगे। कोरोना काल में व्यक्तिगत रूप से रतन टाटा का जितना योगदान हुआ शायद भारतवर्ष के किसी आंदोलन से छुटा नहीं किया। और तो और आप देखिए कि टाटा के बीच के समय उनकी भूमिका, उद्योगपतियों की उनको एड्रेस। और मुझे याद है मैं उस समय चैम्बर का प्रेसिडेंट नहीं था, चैम्बर का प्रेसिडेंट CII में था, चंबर का प्रेसिडेंट 2 साल पहले था। सितंबर 2001 को CII की बैठक थी मुंबई में, बैठक में तो नहीं आया हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी से मिला। क्या बात हुई
डिटेल हम नहीं जानते, इतनी मेरी जानकारी है कि जमशेदपुर के हवाई जहाज से जोड़ना और जो हम लोग मामला उठाए हुए थे जहाँ अभी चकुलिया में हवाई पट्टी है उसको ट्रेनिंग के रूप में वहाँ चालू करना उनकी सोच थी। इस सोच का मुकाबला कहीं नहीं है। भारतवर्ष में जितनी तरक्की हो लेकिन स्वदेशी की भावना से जो तरक्की की बात, जो खेल कूद की बात, जो हॉकी की बात, जो भारतीय परंपरा को सुजोर रखने की बात उनके दिमाग में था, उनकी सोच में था, उस सकारात्मक सोच को उनके उत्तराधिकारियों को टाटा स्टील के जितने महत्वपूर्ण अफसर हैं उनको अवश्य मूर्त रूप देना चाहिए। टाटा साहब का जो विचार थे उसको मूर्त रूप वो दे रहे थे, जारी दे रहे थे। मुझे विश्वास है कि टाटा साहब के जितने पदाधिकारी उनकी सोच को, समझ को, जीआरडी को, जेएनडी और रतन टाटा के सोच को वो कार्यान्वित करेंगे और अब पूरा झारखंड एक बहुत ही विकसित राज्य के रूप में होगा। यहाँ के खान पीन को बल से बढ़ा के 1962 में जिस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, कमोबेश उसी वक्त रतन टाटा लॉस एंजलिस की अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौटे और जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में काम करने लगे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा सरनेम वाले इस शख्स ने वहां शुरुआत अप्रेंटिसशिप के साथ की। जमीनी स्तर पर चीजों को समझने की उनकी खासियत ने ही रतन टाटा को 29 साल के भीतर टाटा ग्रुप का सुपर बॉस बना दिया। मंच का संचालन मैं कर रहा था और अधिकांश लोग हिंदी में बोल रहे थे तो मैं ही उनके बगल में ठीक बैठा हुआ था। तो रतन टाटा साहब ने मुझसे कहा कि क्या बोलते हैं, ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डन इन बिग हिंदी। मैंने कहा सर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मैंने उनसे कहा कि जमशेदपुर में शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए तो बोले टाटा ग्रुप कैन गिव हैंड होल्डिंग, टाटा ग्रुप कैन हेल्प, बट द कम्युनिटी सेड ऑल्सो कम हैव टू कम फॉरवर्ड। और जब हम लोग विजिटर्स बुक में लिखा रहे थे तो उनके साथ एक आए साथी विजिटर्स बुक में अपना रिमार्क्स लिख करके पेन उसी बुक में छोड़ दिए। रतन टाटा जी ने अपने उन साथी का नाम लेकर के कहा कि ये पेन उनका है, आर के अग्रवाल जी का है जो चैम्बर के अध्यक्ष। कहने का अभी ये बात बताने का अभिप्राय ये है कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने उच्च श्रेणी के उद्योगपति, उनका इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना और एक पेन जैसी छोटी चीज को मार्क करके उनको, जिनका पेन था उनको लौटवाना, ये ऐसे व्यक्तियों को बड़ा बनाती है। और ये कैसे बड़े बनते हैं ये हम लोगों को दिखता है। बहुत शालीनता के साथ रहना, धीमा बोलना, जो बात बोलना उस पर गहरा बातचीत पर रहना, ये सब उनकी विशेषताएं थी। लॉस एंजलिस की नौकरी छोड़कर जब रतन टाटा हिंदुस्तान आए तो जमशेदपुर में 6 साल तक काम किया, जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर तब के मैनेजिंग डायरेक्टर एस के नानावटी के स्पेशल असिस्टेंट बने। उनके काम करने की लगन की प्रसिद्धि मुंबई तक पहुंची तो जेआरटी टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया। उसके बाद से उनकी कामयाबियों की उड़ान कभी थमी नहीं, लेकिन कामयाबियों के आसमान छूने वाले रतन टाटा के पांव हमेशा जमीन पर ही रहे। बीबीसी के मुताबिक 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक दिलचस्प सर्वेक्षण करवाया गया जिसमें पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। तब सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। इसके पीछे के कारणों में शामिल था कि रतन टाटा को वीआईपी ट्रीटमेंट की तलाश नहीं रहती थी। वो अकेले चलते थे और अपना बैग या फाइल उठाने के लिए किसी असिस्टेंट की जरूरत भी उनको नहीं होती थी। यात्रा के दौरान उनको बेहद कम चीनी वाली ब्लैक कॉफी पसंद थी, लेकिन वो भी अगर ना मिल पाए तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को डांटते नहीं थे। रतन टाटा के काम करने में एक अनुशासन, बिल्कुल जेआरटी टाटा की तरह।
वो वक्त के पाबंद थे और देर तक दफ्तर में बैठकर फाइलों में सिर घुसाए रखने वाले शख्स नहीं थे। जेआरटी की तरह ही रतन टाटा भी शाम 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे, फिर घर से दफ्तर से जुड़े कामों से दूर रहते थे। एक बेहद कामयाब उद्योगपति होने के बावजूद रतन टाटा ने अपने ऊपर पैसे, पावर और प्रसिद्धि को हावी नहीं होने दिया, जिसका नतीजा है कि तीनों चीजें जिंदगी भर उनके कदमों के पीछे पीछे दौड़ती रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे टाटा को रतन टाटा ने कैसे बनाया टकसाल। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम रतन टाटा की बात कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से देश में टाटा के नाम पर एक मुहावरा चल रहा है, किसी की हैसियत को नापने के लिए एक पैमाने की तरह लोग टाटा का नाम लेते हैं। लेकिन इतने बड़े ग्रुप के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा ऐसे लोगों की संवेदनाओं का हमेशा ख्याल रखते थे जो समाज के हाशिए पर बैठे हुए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। रतन टाटा की ही दूरदर्शिता थी कि आज नमक से लेकर आपके जीवन से जुड़ी कई दूसरी चीजों तक में टाटा की ही छाप है। साल था 1998 का। हुआ कुछ यूं कि टाटा मोटर्स की कार टाटा इंडिका देसी बाजार में धमक नहीं दिखा पा रही थी। ऐसे में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया। 1999 में रतन टाटा फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने अमेरिका पहुंचे। कहते हैं कि बिल फोर्ड ने ताना मारते हुए बोला, अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था तो आना ही नहीं चाहिए था। टाटा को फोर्ड की ये अकड़ पसंद नहीं आई। वो भारत लौटे, जबरदस्त मेहनत की, वक्त का पहिया बदला। 2008 की मंदी में जब फोर्ड की एक एक कंपनियां बिक रही थी, तब रतन टाटा ने पलटवार किया और उसी साल यानी साल 2008 में टाटा मोटर्स ने $2.3 बिलियन में फोर्ड की कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। ये फलसफा था रतन टाटा का। देश के सबसे रईस और बड़े उद्योग घराने के प्रमुख रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि वो खुद एक कर्मचारी की तरह ही काम करते थे। उनके साथ काम करने वाले लोगों का जुड़ाव इतना था कि वो कंपनी को परिवार समझते थे। आज टाटा ग्रुप 100 से अधिक देशों में काम करता है, करीब 10 लाख लोग इससे जुड़े हैं। टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटल $403 बिलियन के करीब है। रतन टाटा ने कारोबार को नई ऊंचाइयां दी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज टाटा ग्रुप में वो बड़ी कंपनियां भी हैं जो पहले विदेशी थीं। टाटा ग्रुप ने साल 2000 में चाय कंपनी टेटली को $407 मिलियन में खरीदा। 2007 में एंग्लो डच कोरस ग्रुप को $12 बिलियन में और 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा। टाटा ग्रुप ने दुनिया भर में होटल, केमिकल कंपनियों, संचार नेटवर्क और ऊर्जा कंपनियों को भी खरीदा। कंपनियों का अधिग्रहण करना और उन्हें बदलना टाटा के कारोबारी करियर की खासियत रही। टाटा का प्रोडक्ट आज देश के घर घर में इस्तेमाल हो रहा है। रतन टाटा का टाटा ग्रुप सबके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आया। साल 1983 में देश में पहली बार लाया गया आयोडीन वाला टाटा नमक का पैकेट आज हर घर में अपनी जगह बना चुका है। 1996 में टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना हुई। 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्केट में लिस्ट हुई। उनके नेतृत्व में TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनियों में से एक बनी। साल 2008 में रतन टाटा की कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को लॉन्च किया। महज 1 लाख रुपए की ये कार आम आदमी के बजट की थी।
रतन टाटा ने सही मायने में टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा, जिसे जीआरडी टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आजादी के बाद ये सरकारी हो गई थी। घाटे में चल रही इस एयरलाइन को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया, लेकिन धीरे धीरे इसके घाटे में कमी आती गई। टाटा ग्रुप आज कई दिग्गज ब्रांड्स का मालिक है, जिसमें TCS, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, जैगुआर लैंड रोवर, टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, वोल्टास, वेस्टसाइड, टाटा AIG, टाटा AIA लाइफ, टाटा प्ले, टाटा 1MG और टाटा कैपिटल जैसे नाम शामिल हैं। टाटा ग्रुप की सफलता में अहम भूमिका निभाने के साथ ही रतन टाटा ने एक दरिया दिल इंसान की छवि भी बनाई। वो देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बने। उनका मानना था, साथ मिलकर ही दूर तक चला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।